तो भगवान बोले तुम रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। जवाब दिया है कृष्ण, बोले राधा आप चिंता मत करिए, गोपियां
जरूरत की धूल भी दिखाई नहीं दी है तो राधा से बोली अरे बहना मैंने बहुत समझाया था कि करिया को पे ना क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है और जसुदा के दिल से पूछो प्रेमी की गति क्या होती है वो राधा के दिल से पूछो। महाराज उदय भगवान कन्हैया का रथ है मथुरा में पहुंचा। जब कृष्ण का रथ मथुरा में पहुंचा था तो दो पैर दिन बचा था। कितना बचा था? दो पैर। भगवान ने जवाब दियो है बाबा से कहा बाबा आप हमें आज्ञा दे हम मथुरा नगरिया घूमे आवे। मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है। बाबा बोले लाला का मरेगो जब मथुरा नगरिया में बड़ी सुंदर सुंदर गोपिकाएं हैं मत जाबे। बोले ना बाबा हमने सुना है मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है। बोले लाला सुने जो ब्रज ना अपनो मेरे ब्रज की गोपियां हैं जब पता है बहुत सुंदर सुंदर गोपियां हैं कहूं गोपी से खड़े होएगे तो हड्डी को सुरमा बंत देर आने लगे। लाला सुनो तो जय है मथुरा नगरिया तू देख बेटा जय है मथुरा जय है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ जय है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ तो सबसे पहले भगवान को कंस का धोबी मिला फुल नशे में आता हुआ झूमता हुआ। भगवान ने जवाब दिया भैया जब पोटली में का लाए हो बोले कपड़ा बोले हमें दे दे वो। धोबी ने जवाब दिया ये वस्त्र में नहीं आपको दे सकता ये वस्त्र हम नहीं दे सकते कहां से आए हो। बोले आपको पता है यहाँ के कंस है ना भी हमारे मामा है। बोले हाँ हाँ
ऐसे ही रिश्तेदार तो रुक जाते हैं, ऐसे रिश्तेदार मिलवे रोज आते हैं, मैं नहीं दूंगा। और धोबी उठा सीधा बोलने लगा भगवान से, भगवान बोले मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पे नालायक जहर। अरे हमने हंस के बोल दे मीठे बचन बोल दिए तो तू पागल समझता है? अगर हंस के बोल दिया मीठे बचन बोल दिए तो पागल समझने लगा? ऐसा पता ना गए कोई तमाचे में काम तमाम है जाएगो। भगवान आगे बढ़े हैं और धोबी के गाल में तमाचे मारो तो धोबी को काम। महाराज धोबी को काम है गो। भगवान ने वो कपड़े ढीले ढाले पहने, दर्जी देख रहा हूँ नंबर हमारो ये महाराज। मम्मा घबराए रहो बगल का देख लियो कपड़े रहो गिरी आ गई दान। अब नंबर हमाओ ये, दर्जी ने दूर से ही कही अरे भैया आए जाओ आ जाओ हम फिटिंग कर दे। भगवान बोले अच्छी बात है, बिना ही कहीं फिटिंग होने लगी बहुत अच्छी बात है। फिटिंग करी है वस्त्रों की और भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी से, कहा भैया फलो फूलो। आप देख रहे हो आजकल दर्जी की फीस कितनी है, बहुत सिलाई पड़ती है, माता पड़ती है ना, बहुत सिलाई लेते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परिचय। सारे करूप को जोड़े जाड़े ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, वो तीन जगह से टेढ़ी थी और नाव लली को कुबिजा था, कुबिजा जा रही थी। भगवान ने बोले सुंदरी इधर आइए। कुबिजा बोली कि हमें बुलाए रहे हो? बोले हाँ तुम्हें ही बुलाए रहे, आ जाओ। कुबिजा सामने पहुंची है, जवाब दिया क्यों आया? बोले कहाँ से आ रही हो? बोले कंस के तिलक करके आ रही हूँ। कंस की कौन? बोले दासी हूँ। मथुरा में जो कुबिजा नाम की गोपिका थी उसका चंदन फेमस था, उसका चंदन फेमस था, तो वो चंदन रोज भोजराज कंस के दरबार में लगाने के लिए जाती थी। महाराज भगवान ने कहा कि हमारे भी लगा दो। अब जितने ग्वाल बाल रहे तो उनने जवाब दिया जहाँ से चंदन लगवाए जो यहाँ तक छुओ चना ना चले जाते, जहाँ से चंदन कौन लगवावे गो? अरे भैया तो यहाँ से जा, अरे तुझे लगाना हो तो लगवा ले, उस तू यहाँ से निकल जा। भगवान बोले अच्छा। कुबिजा ने कहा कि माधव आपको लगवाना हो तो लगवा लो। कन्हैया ने कही तुम हमारे लगा इन्हें छोड़ो। अब कुबिजा मस्तक तक ना पहुंच रही तो भगवान ने पैर के अंगूठा पे अंगूठा रखो एक हाथ थोड़ी से लगाए लियो और जो झटका मारो दादा तो कुबिजा बड़ी सुंदर सी गोपिका बनी गई, बहुत सुंदर गोपिका। अब ग्वाल बाल आए जवाब दियो कि कन्हैया हमारी तिलक करवा दे का ब्याह कर लो बस इतने में, जो तीन जगह से टेढ़ी है ती ठोक पीट गई सही कर लो, तेरी तो लीला ही निराली है, हमारे तिलक तो करवाए दे। अब भगवान बोले कुबिजा बोली ना करिए। अब ये कह रहे थे कि जब हाथ का चना ना छुए चबे जाते, अब आएंगे तिलक करवाने? अब ग्वाल वाल कन्हैया के पीछे, अरे कन्हैया करवाना हमारे करवाए दे। भगवान बोले कोई बात ना सुंदरी आप तिलक कर दो। तिलक किया है कहते ब्रजवासी के तिलक हो गया और जब तक गले में तुलसी की माला न होवे तब तक शोभा ना देते हैं। तो सुदामा नाम का एक माली था, भगवान उसके घर पे गए हैं तो सुदामा नाम के माली ने तुलसी की मालाओं को भेंट किया, कहा गोविंद मेरे घर आना। भगवान बोले जरूर वापस बाद में आऊंगा। उसके बाद में कन्हैया बलराम दादा कंस के दरबार हम पहुंचे तो मेन गेट पे कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा था। भगवान बोले भैया हाथी को हटाए ले वो। बोले छोटे पूरे नाए हो, धोबी को मारे आए कुबिजे सही करे आए, अब हटा लियो निकल ले। भगवान बोले भैया हटा ली अच्छी बात है। बोले नहीं हटा लियो निकल लो। भगवान बोले सुनो
जाएगी हम यदुवंशी कहलाते हैं। कह दे रंग दिखाई डारे ए तेरे आँख की गेंद बनाए करके नव मंडल में तो घुमाई डारे बनाए करके मंडल में घुमाए डारे आंखी को पता ना चले वो एक सुन है ना बलराम कृष्ण ने पकड़ी और घुमाए के जमीन पे मार तो हाथी का काम तमाम हो गया। हाथी मर गया है महाराज भगवान और बड़े ही कंस के दरबार हम पहुंच गए। धनुष रखा है इंतजाम नहीं करो भैया कंस मार रहे हो बंद रहो मटका है कितनी देर लगे